हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, पिटाई पराठा। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में पिटाई पराठा कैसे बनाए। पिटाई पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले मैदा गूंदेंगे। उसके लिए आपने लेना है एक परात। परात के अंदर आपने डालना है मैदा। मैंने लिए 1 किलो मैदा। मैदा डालने के बाद आपने ऐसे ही देखिए ऐसे रिंग बनाना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और आपने इसमें डालना है पानी। पानी होना चाहिए गुनगुना। गुनगुने पानी से आपने मैदा गूंदना है। इसमें दूध या और कुछ डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्ट्रीट फूड है, रोड साइड मिलने वाला पराठा है। तो अगर हम इसमें दूध डालेंगे या और भी कुछ डालेंगे, बटर घी, तो ये बहुत महंगा हो जाएगा। तो हमने ऐसे महंगा बनाना नहीं है। बस आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। कैसे गूंदना है आपको दिखाता हूं। मैं दोनों हाथों से गूंदूंगा क्योंकि एक हाथ से आप 1 किलो मैदा गूंद नहीं सकते। इसके लिए मैं अच्छी तरीके से दोनों हाथों से गूंदूंगा मसल मसल के। जब आप इस तरीके से मैदा गूंद लेंगे ऐसे, तब आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है रिफाइंड ऑयल 3 टेबल स्पून। उसके बाद आपने ऐसे देखिए अच्छे से इसको पंच मारने, जैसे कि मैं मार रहा। पंच मार के अच्छी तरीके से आपने बहुत ही मुलायम मैदा गूंदना। ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया सॉफ्ट होना चाहिए। अब ये देखिए मैदा बहुत ही अच्छे से गून चुका है। ऐसा ही आपने गूंदना है, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया हो गया। अब आपने इसको ढक के रख देना है कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया होगा। 10 मिनट के बाद आपने करना क्या है, आपने पेड़ा मार लेना है। आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए कितना बढ़िया मैदा हो गया है। अब आपने पेड़े कैसे मारने हैं, आपने मैदे को ऐसा खट्टा करना है, देखिए इस तरीके से, और इतना बड़ा पेड़ा मारना है देखिए, क्योंकि ये है पिटाई पराठा तो ये तवे पे बनेगा बड़ा। तो आपने पेड़ा भी ऐसा बड़ा मारना है, कम से कम, आप कम से कम बता रहा हूं 150 ग्राम का पेड़ा मारे। ये देखिए ऐसे पेड़े मारने के बाद आपने ऐसे तेल का हाथ लगा देना है और इसको ढक के रख देना है 2 से 5 मिनट। पेड़े बहुत ही अच्छे से ढल चुके हैं। अब मैं आपको ये बेल के दिखाऊंगा और इसका लच्छा मारने का तरीका बताऊंगा, आपने कैसे लच्छा मारना है। इसमें जो सबसे स्पेशल चीज है ना वो है इसका लच्छा। ये देखिए आपने ऐसे एक पेड़ा लिया और टेबल पे ऐसे हल्का सा तेल लगाया या फिर आप आटा भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ऐसे दबाया, दबाने के बाद ऐसे बेल लेना है आपने गोल बड़ा सा, आपने ऐसे गोल बेलना। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे बेलने के बाद आपने यहां से देखिए ऐसे काटना है, जैसे कि मैंने काटा। हल्का सा तेल लगाया, तेल आप पहले भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ऐसे आपने रिंग बनाना है इस तरीके से, देख रहे हैं ना आप, ऐसे रिंग बनाए, रिंग टाइट बनाना है आपने। ये देखिए ऐसे बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है। देखिए पहले ऐसे थोड़ा सा आपने दबाया, दबाने के बाद ऐसे रखा, ऐसे रखने के बाद ऐसे दबाया, देखिए उंगलियों से, देखा आपने, ऐसे दबाने के बाद फिर ये देखिए ऐसे पूरा ऐसे दबाया। ये देखिए ये बन गया इसका पेड़ा। आपने इस तरीके से पेड़ा बना के रखना है। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सारे पेड़े बना लूंगा, आप भी ऐसे ही बना लें। मैंने सभी बना लिए, एक आखिरी बचा। तो मेरे लड़के ने बोला कि शेफ इसको अच्छी तरीके से आप बता दीजिए लच्छा बनाना। तो मैंने देखिए दोबारा से आपको बता रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना, बस ऐसे घुमाना है। देखिए देख रहे हैं ना आप मैं कैसे घुमा रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसे दूसरा हाथ भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक भी हाथ से ऐसे बन जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, मैं ऐसी आसान रेसिपी आपके लिए लाया हूँ ना, बस आपको आने वाला है मज़ा। ऐसे आपने रोल किया, उसके बाद ये चीज़ देखिए यहाँ से दबाई, ऐसे रखा आपने जैसे कि मैंने रखा है। उसके बाद इसको ऐसे दबाना है, देखिए दोनों हाथों से, देखा ना आपने, ऐसे देखिए ऐसे दोनों हाथों से दबाएं, फिर इसको यहाँ पर ऐसे, देखा ना आपने, बन गया ना लच्छा। फिर आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे घुमा के और ट्रे में इसको रख देना, ऐसे ट्रे में रख दें।
और इनको ढक के आपने थोड़ी देर रखना है ताकि आप जब बेलें तो आसानी से बिल जाए। आज का जो पराठा है वो बनेगा ये तवे पे, तो आपने जब तक 10 मिनट होंगे तवा चढ़ा देना और इसको गर्म कर लेना है हल्का सा। ऐसे रख के आपने गैस स्लो चालू कर देना है ताकि ये आराम से अच्छे से गर्म हो जाए। अब ये देखिए बहुत ही अच्छे से पेड़े ढल चुके हैं, तो आपने जो सबसे पहले बनाया था वो वाला पेड़ा उठाना है ऐसे, और टेबल पे आपने लगाना है तेल ऐसे। उसके बाद पेड़ा आपने यहां रखा और ऐसे दबाया। अब क्या है, आपके पास ऑप्शन नहीं है मैदा लगाने का, अब आपने तेल ही लगाना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए ऐसे दबाया और इसको ऐसे फटाक से आपने बेल लिया। वाह क्या पराठा बनेगा ना, बहुत मजा आने वाला है आपको। अच्छे से बेल लें। आपने कम से कम पराठा इतना बड़ा बेलना है, देखें ना आप, क्योंकि पेड़े भी हमने बड़े बड़े काटे थे, तो इतना बड़ा आपका पराठा होना चाहिए तभी आएगा आपको मजा। ऐसे पराठा बेलने के बाद आपने क्या करना है, आपने तवे का टेम्परेचर चेक कर लेना है, तवा हल्का सा गर्म होना चाहिए और गैस आपने स्लो रखना है। उसके बाद आपने पराठे को इस पे डालना है, कैसे दिखाता हूं। आपने ऐसे डाल देना है, देखिए इस तरीके से। जब आप इसको रोज बनाएंगे ना तो आप ऐसे फेंकेंगे तो भी अच्छे से तवे पे गिर जाएगा, लेकिन हम जब पहली बार बनाते हैं आपको पता नहीं होता है, तो आपने ऐसे डालना है जैसे कि मैंने डाला। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे देखिए पलट देना है। वाह गैस आपने थोड़ी सी फास्ट की, तो इसको मैं सेकने का पूरा सही तरीका आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, इसको ऐसे पलट देना है, देखिए इस तरीके से जैसे कि मैंने पलटा। उसके बाद आपने ऐसे इसको घुमा घुमा के बहुत ही अच्छी तरीके से सेकना है ताकि चारों तरफ एक जैसा कलर आए, देख रहे ना। यह है इसका सही तरीका सेकने का। अब इस पराठे का नाम पिटाई पराठा क्यों है, तो आपको थोड़ी देर के बाद बस पता चलने वाला है, तो आप जरा अपना दिल थाम के बैठे। और ये पराठा कलकत्ता का फेमस पराठा है, स्ट्रीट फूड है, रोड के किनारे बहुत ही मिलता है और लोग इसे बहुत ही प्यार से और दिल से खाते हैं। तो बस आपने दिल थाम के बैठा, आपको कुछ ही मिनट के बाद, मतलब सेकंड भी बोल सकते हैं, आपको पता चलने वाला है मतलब इसका नाम पिटाई पराठा क्यों है। हम इसकी पिटाई करके भी आपको दिखाने वाले हैं। जब आप इसको ऐसे सेक लेंगे जैसे कि मैंने सेका है फोल्ड करके, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे खोलना है। ये देखिए दोबारा फिर ऐसे आपने सेकना है दूसरी तरफ, फिर वहां भी अगर नहीं सिकेगा ढंग से तो फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर ऐसे सेकेंगे। इससे क्या फायदा है, एक तो पराठे को वजन मिल जाता है, आपको ऐसे दबा दबोने की झंझट नहीं होती, और चारों तरफ एकदम अच्छे से सिक जाता है, क्योंकि बीच में टेम्परेचर ज्यादा होता है तवे में कभी भी। इसलिए ये दिमाग लगाया है जिसने भी लगाया है, मैंने नहीं लगाया तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने दिमाग लगाया है, मुझसे पहले किसी ने दिमाग लगाया हुआ है। तो ये देखिए ऐसे सेका। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है। अगर आप घर में बना रहे हैं अपने खाने के लिए तो आप देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका सही तरीका है वो है ये रिफाइंड ऑयल, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता मिलता है और मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रीट फूड है, रोड किनारे मिलने वाला है, तो इसमें ऑयल ही लगता है। ये देखिए ऐसे आपने सेका, फिर इसको खोल दिया, फिर हम यहाँ भी ऑयल लगाएंगे। वाह मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप अगर घर में बना रहे हैं तो आप देसी घी लगा सकते हैं, बटर ना लगाएं। बटर से क्या होता है, बटर काला पड़ जाएगा, तो आपने देसी घी लगाना है। नहीं तो जो सबसे सही तरीका है वो ये है जो मैं लगा रहा हूँ ऑयल का। अब ये देखिए पराठा सिक चुका है, मैदे का पराठा है तो इससे ज़्यादा कलर नहीं लूँगा। अब आपको इसके तोड़ने का तरीका बताता हूँ, इसकी पिटाई करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे आपने टेबल पे डाला, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया जैसे कि मैंने किया है। उसके बाद आपने ये देखिए ऐसे इसकी पिटाई की, ये ले ये देख रहे हैं आप, इसलिए इसका नाम है पिटाई पराठा। देखिए कितना बढ़िया बन गया। अब जब आप इसको खाएंगे ना तो इतना मजा आएगा आपको, देखिए शानदार, मतलब बता नहीं सकता। बस मैं तो चला खाने, लेकिन मेरा जो कैमरे वाला है बोला है एक पीस और बना के दिखा दो ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। मैंने बोला नहीं यार मैं तो चला खाने। देखिए
क्या मस्त पराठा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है पिटाई पराठे का, तो आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ।